Hello, here I am outside the Palace of Ayodhya, and with me is Rajah of Ayodhya. We're going to go in shortly, and then I'll be speaking with Rajaji. तो पहले पहल राजा जी हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ हिस्ट्री अयोध्या के. अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है और ये सप्तपुरियों में एक है. अयोध्या भारत की धार्मिक ऐतिहासिक प्राचीनतम नगरी में से एक है. अच्छा, हमने थोड़ा रिसर्च किया है और राम जी के वनवास के बारे में ऐसे पता चला कि उनका जो बचपन अच्छी तरह से बीता, फिर वो गए, सीता जी से शादी उनके हुआ, यहाँ पर लगभग 12 साल अच्छी तरह से रहे और उनके ताजपोशी ही होने वाला था. उस वक्त कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उनको जाना पड़ा वनवास, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमको. वो महाराजा दशरथ ने अपनी तीसरी रानी महारानी कैकेयी को वचन दिया था. युद्ध में उन्होंने महाराजा की बहुत मदद की थी कि तुम जो चाहोगी मैं दूंगा. एक बार, तीन बार का शायद उन्होंने कहा था. तो उस पर उन्होंने वर मांगा था कि भगवान राम को वनगमन 14 वर्ष के लिए और भरत को राज्य अपने पुत्र का. तो पिता की आज्ञा को मान के भगवान राम वन को गए थे. जब से मैं छोटा था, 10 साल का था ना, तब से मैं रामायण पढ़ने शुरू किया और 15 साल हुआ था तो मैंने रामलीला में भी पार्ट लिया. तो एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध था, अभी भी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. तो उसके बारे में कुछ बताइए, राम जी इसके बारे में फेमस हैं. जी, वो दशरथ जी के ऊपर जो है ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि जब उन्होंने वचन दिया था तो वो भगवान राम को प्यार बहुत करते थे अपने पुत्र को. तो जब वो डगमगाए उस पर तो ये उनकी वचन को याद दिलाया गया कि रघु के आप पुत्र हैं. उनकी यहाँ एक परंपरा रही है कि आपने जो वचन दिया है वो अकाट्य है, वो दूर नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता, चाहे उसके लिए प्राण भी देने पड़े. तो धन्यवाद, ये थोड़ा जो क्लेरिफिकेशन हमने कर दिया ये राम जी के पिताजी के ऊपर लागू था. अच्छा, वनवास जो था, जो वरदान मिला था, जो दिया था, वो सिर्फ राम जी के ऊपर था, लेकिन उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी गए. उसके ऊपर आप थोड़ा बताइए क्यों ऐसा हुआ. सीता जी उनकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूँगी. और लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई का फर्ज निभाया, उन्होंने कहा मैं आपकी रक्षा करूँगा, आपकी सेवा करूँगा. तो भगवान राम का जो परिवार रहा है वो संपूर्ण रूप से बहुत ही आदर्श परिवार रहा है, जिसके तहत पत्नी ने पत्नी का धर्म निभाया और भाई ने भाई का धर्म निभाया. इसी के तहत दोनों उनके साथ वन को गए थे. और ये भी पढ़ने में आया है कि जब ये तीनों अपने घर को छोड़ के जा रहे थे तो यहाँ के जो वासी थे उसके पिताजी तो शोक में थे ही, माता जी तो शोक में थे, लेकिन जो यहाँ के वासी भी थे वो भी बहुत शोक में रहे हुए होंगे, रो भी रहे होंगे. उसके बारे में थोड़ा दृश्य बताइए आप. वो बहुत शोक में थे, सब उनके साथ काफ़ी दूर गए भी थे. फिर भगवान राम ने, प्रभु राम ने सबको मना किया, उनको रोका और फिर वो वन को चले गए. जनता, यहाँ के वासी बहुत ही प्यार करते थे अपने राजा को, उनके पुत्र को, सबको. अच्छा, चलो अब हम अयोध्या छोड़ के चले जाते हैं. अगले बार हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में जब वहाँ पहुँचेंगे. अब हम आपसे जानना चाहते हैं ये जो फिल्म बना रहे हैं उसको हम
जोड़ रहे हैं यहीं से लगभग 150 साल पहले बहुत सारे यूपी और बिहार के लोगों बच्चों को यंग मैन एंड वीमन को उठाकर ब्रिटिश ने बहुत सारे कॉलोनीज में ले गए थे, उसके बारे में आपको कुछ पता हो तो बताइए। जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी तब, उन्होंने वो बहुत से लोगों को, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया को, पूरब की तरफ से, भारत के पूर्वी राज्यों से ले गए थे मजदूरों के रूप में, और जो ज़्यादातर जहाँ जहाँ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स का राज था, हर जगह ले गए थे, और वहाँ उन्होंने जाके मेहनत की और उन राज्यों को नया आकार दिया। और आज की तारीख में उन लोगों ने वहाँ पे उनके जो बच्चे हैं, जो उनके संतान हैं, जो उनके वंशज हैं, वो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और उन लोगों ने वहाँ पे अपना प्रभुत्व दिखाया है, अपनी मेहनत से आज ऊँचाइयों पर पहुँचे हैं, जिनके पूर्वज यहाँ से मजदूरी के लिए गए थे। अच्छा, आपने ब्रिटिश राज के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात किया है, पढ़ने में आया है कि उनके आने से पहले भारत एक बहुत ही रिच देश था, कहने को है कि लगभग 33% जीडीपी दुनिया का भारत में ही था, और जब ब्रिटिश छोड़ के गए हैं तो लगभग 3% हो गया था। तो इसका मेल रखता है कि यहाँ से गिरमिटियों को ले गया, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, उनका राज था, उनको मजदूरों की ज़रूरत थी, यहाँ के लोग मेहनत मशक्क़त करना जानते थे, अपने मालिकों के प्रति लॉयल थे, उनका एक चरित्र था, इसलिए उनको ले गए थे। और गन्ना भी होता था, ज़्यादातर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया था। गन्ना भी यहाँ का जो है बहुत बड़ा जो है खेती का साधन है, तो गन्ना वहाँ भी होता था, तो उनके 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 बारे में इनको सारी जानकारियाँ भी थी, और टेक्निकली एक्सपर्ट थे, तो इसलिए भी इनको ले गए। हाँ, और उसका जो यहाँ पे ब्रिटिश प्रेजेंस, जो टैक्स के कारण बहुत लोग बेरोज़गार भी हो गए थे, तो इजी पिकिंग था कि लोगों को उठा कर ले जा सकते थे। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो उनका पूरा तरह से साम्राज्य था, कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं था, देश टुकड़े टुकड़े में था, कोई एक रूल नहीं था यहाँ पे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने हमेशा उठाया। अच्छा, ये जो गिरमिट प्रथा 1917 में लगभग फिनिश हो गया था, और जितना बाकी गिरमिट था वो 1920 में ख़त्म हो गया था, और उसके बाद 100 साल तक सभी गिरमिटियों को भूल गए। अभी उनके वंशज, जिसे हमें बहुत सारे मिलियन, 12 मिलियन हो गए हैं, वो यहाँ पर अपने पूर्वजों को खोजने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनके उनको अब क्या कहेंगे उनसे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को वो ले गए, उनके जो है जो परिवार बचा, उन्होंने उनके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं रखी, ना उनके जाने के बाद, ना ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भारत से। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया भी कि हमारे 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल पहले जो हमारे पूर्वज यहाँ से गए थे, उनकी कोई खोज खबर ली जाए। वो भी उनको एक तरह से भूल गए, जो एक दुर्भाग्य है। अब वो लोग वहाँ से आ रहे हैं, अपने धरती को खोजते, अपने रूट को खोजने, अपने मातृभूमि को खोजने, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और उनको पता भी चलना चाहिए कि उनका जो है मेन तो भारतीय है, तब कहीं है। हाँ, जो यहाँ से गए थे बच्चे, वो भारतीय थे, वहाँ पर रहे और बूढ़े होकर मर गए, फिर भी वो भारतीय थे। तो अब भारतीय उनके बच्चे भारत से जुड़ना चाहते हैं, तो आप के तरफ से अगर इनविटेशन उनको मिल जाए तो अच्छा होगा। बहुत ही स्वागत है उनका आने का, मैं जो भी मदद करना चाहूँगा, चाहेंगे, मैं जिस तरह से समर्थ हूँ मैं ज़रूर करना चाहूँगा उनको। राजा जी, अपने टीम के तरफ से, हमारे सभी दर्शक के तरफ से, और जो 12 मिलियन डिसेंडेंट्स ऑफ गिरमिटियस है, उनके तरफ से आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे लगता है कि जो गिरमिटियों की कहानी है वो बहुत मार्मिक है, तकलीफ भरी, क्योंकि उनको आधी हकीकत और आधे फसाने के बीच में रखा गया, उनको सच नहीं बताया गया। और जो भी औपनिवेशिक काल में, खास करके ब्रिटिश रूलर्स के समय में भेजे गए, तो उनको ये कह के ले जाया गया कि हम आपसे मजदूरी कराने, आपको रोजगार देने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वो सात समुंदर पार ले गए और इतनी दूर गए कि उनका आना संभव नहीं हुआ, लौटना संभव नहीं हुआ। तो एक तरीके से उनको मजबूरी वश उन क्षेत्रों में, उन धरतियों पर रुकना पड़ा जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। आज के समय में लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं तो उनको ये पता होता है कि कभी भी अपने वतन लौट सकते हैं, अपने शहर लौट सकते हैं, लेकिन उनको अंधेरे में रखा गया। तो एक तरीके से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गिरमिटिया लोगों के साथ धोखा किया गया, और उस धोखे की वजह से उनको इनको अपनी जड़ों से कटना पड़ा, अपनी धरती से कटना पड़ा। हो सकता है, ये एक रिसर्च का मामला है, कि उनको अगर ये बताया जाता कि हम आपको ले तो जा रहे हैं काम के लिए, लेकिन शायद आप अपने जीवन में या अपनी संततियों के साथ, अपने सिब्लिंग्स के साथ कभी लौट ना पाएँ, तो शायद उसमें से अधिकांश लोग जाने से इनकार कर देते और नहीं जाते। लेकिन वो गए और उनके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ रामचरितमानस थी, हनुमान चालीसा थी, राम दरबार की तस्वीरें थी, हनुमान जी की प्रेरणा थी, गीता थी, और उसी के बहाने वो रुके रहे। एक तरीके का गांधीयन अप्रोच था, मेहनत करने का, कम में संभाल लेने का। और जो जहाँ तक मैंने देखा है, मॉरिशस गया हूँ और फिजी वगैरह की जो कहानी है, मुझे लगता है कि उनका एक दर्द है अपनी जड़ों से कट जाने का, अपने अपनी वंश परंपरा से कट जाने का, जिसकी नुमाइंदगी, जिसका रिप्रेजेंटेशन अभी नई पीढ़ी में दिखता है, कि बड़े से बड़े समृद्ध लोग जो भारतवंशी हैं, जिन्हें हम भारतवंशी कहते हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, वो आते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रश्न, उनका सबसे बड़ा संघर्ष, स्ट्रगल ही इस बात का होता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनके फोरफादर्स कहाँ से थे, उनकी उनकी मातृभूमि क्या है। अच्छा, आपने भगवान राम जी के बारे में बोला, ये फिल्म है, एक दो स्टोरीज है, एक भगवान राम जी का एग्जाल के बारे में, एक गिरमिटियों का एग्जाल के बारे में। आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे मिलता है दोनों का मुझे एग्जाल? लगता है कि राम जी का एग्जाइल जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड है, पिता से दिया हुआ और खुद से मांगा हुआ। गिरमिटियों का एग्जाइल तो उनको बिना बताए दे दिया गया, उनको मालूम ही नहीं था कि उन्हें उस एग्जाइल में जाना है। तो राम जी का संघर्ष जहाँ एक नैतिकता के लिए है, वहाँ गिरमिटियों का एग्जाइल उनको उनकी नासमझी में किया गया, उनके साथ एक तकलीफ भरा आंदोलन है जिसमें उनका अपना परिवार, उनके अपनी वंश परंपरा उनसे छूट जाती है। तो लेकिन यहाँ सही है, बिल्कुल सही है, राम जी का जो स्टोरी, लेकिन उनके लिए एक सर्वाइवल बन गया था जी, कि हमारे भगवान। वो आइडेंटिटी है, वो हाँ दोनों, वो उन उसको उसके साथ उनकी कैथारसिस होती है, वो कहीं से आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे भगवान राम 14 साल का एग्जाइल कर सकते हैं और खुशी खुशी कर सकते हैं और सारे संघर्षों के बाद उसमें बच निकलते हैं, तो वैसे हमारा एग्जाइल भी किसी काम का है, महत्व का है, उस स्ट्रगल से हम सर्वाइव कर गए हैं और हमने अपने को उस लायक बनाया है, उस परंपरा में, भारत की परंपरा में। राम जी आए थे यहाँ, दिवाली हुआ, फिजी से मेरा रिसर्च कहता है 25,000 लौटे हैं, कोई दिवाली नहीं हुआ उनका, आज पता नहीं है। राम जी वो को अभी तक अगर हम याद करते हैं, उनको कोई नहीं याद करता है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि कुछ अनसंग हीरोज होते हैं जो समाज में और समय में ऐसे ही डूब जाते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है, हम भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि हमने अपने भारतवंशी भाई बहनों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, उन्हें गले नहीं लगाया और उनके लौटने पर दिवाली जैसा ही जलसा नहीं मनाया। और मैं कई गांव में गया हूँ जहाँ पर हम और हमारे साथियों खोज पाए हैं अपना रूट्स, और उनसे बात जब कर रहा हूँ, उनके आँखों में आंसू होते हैं कि ये मिलने की संभावना, तो वो सभी कुछ उनको याद है। और जी इस एरिया से लगभग मेरा अनुसार अब 30 और 40 मिलियन ऐसे लोग हैं जो गिरमिट से जुड़े हैं, उनके दिल में एक आशा है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे उनके लगता पूर्वज है आ कि जाए यहाँ पर। वर्तमान में वर्तमान जो भारतीय परिदृश्य है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो पढ़ लिख गए हैं लोग, मुझे लगता है कि भारत में बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव अप्रोच से अपने भारतवंशी भाई बहनों को देखा जाता है और हम बाहें पसारे खड़े हैं कि उन्हें आना चाहिए और यहाँ बसना चाहिए और अपनी मातृभूमि को वैसा ही अपना देश समझना चाहिए जैसे उन देशों में वो बसे हैं जो उनकी कर्मभूमि का देश है।
एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक यंग सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड भारत नागरिक है, राजा जी के सुपुत्र हैं, अपने तरफ उन मिलियंस ऑफ जो आपके इंडियंस है डायस्पोरा में, उनसे दो बात कर लीजिए और उनको इनविटेशन दीजिए। मुझे लगता है जो भी पूरे विश्व में फैले हुए भारतवंशी लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, उनसे मेरी अपील है एक भारतीय के रूप में कि आप भी भारतीय हैं और आपकी मातृभूमि आपके पूर्वजों की मातृभूमि रही है, इसे अपना ही देश समझें और इसे वैसे ही स्वीकारें जैसे उन देशों में हैं जहाँ आप अपने जन्म से वहाँ मौजूद हैं, और भारत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके स्वागत में खड़ा है और आपके साथ आपके संघर्ष में आपका हिमायती और आपको Hey.